सक्ति तुम तुम सक्ति का कितने अर्थ कहां जोड़ोगे ये इस पे क्यों जा रहे हो आओ ना जिस काम के लिए जनता ने तुम्हें चुन के भेजा क्यों नहीं चलाते नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी क्या वही नारी शक्ति है ना बेटी माफी मांगी क्या आज तक आज तक नहीं मांगी माफी नमस्कार एक बार फिर सभी का स्वागत है न्यूज़ में राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर जो है घमासान मचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने यह कह दिया है कि राहुल गांधी ने नारी शक्ति का जो है अपमान कर दिया है मोदी जी ने यह कहा है कि हिंदू धर्म में समाहित शक्ति को समाप्त करना चाहता है इंडिया अलायंस यानी कि पूरे विपक्षी पार्टियों को जो है घेरते हुए नजर आ रहे हैं हालांकि राहुल गांधी ने यू टर्न लेते हुए कहा कि मेरी बातों को जो है तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है उसका अलग मतलब जो है है निकाला जा रहा है। और इस मसले पे खासा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरेंद्र ताउ जी मौजूद है बातचीत कर, बातचीत करने कोशिश करेंगे कि शक्ति आखिर है क्या शक्ति दो तरह की होती है जी। एक शक्ति है असुरी शक्ति और एक शक्ति होती है शक्ति शक्ति तो देवी शक्ति का तो कोई माइका लाल अपमान कर ही नहीं सकता यह तो कोई भी नहीं कर सकता रहा असुरी शक्ति और एक राजनीतिक शक्ति शक्तियां तो बहुत है आप किसी को भी शक्ति कह सकते हो यह शक्ति नहीं है जब ताना साहब देश का प्रधानमंत्री अगर ताना साहब बन जाए तो वो भी तो एक शक्ति है कि मेरे हाथ में पावर है जो ईडी इनकम टैक्स सीबीआई चुनाव आयोग देश की सारी संस्थाएं जिधर कहूंगा उधर लगा दूंगा ये शक्ति तो है और क्या है ये और इन्हीं से लड़ना देश को तो इन्हीं से लड़ने के लिए तो देश की जनता खड़ी हो रही है कि ये जो ताना आ गया है है इसकी कम करो वरना देश को बर्बाद कर रहा है। लेकिन ताऊ जी राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति उस शक्ति से हमें लड़ना है और हाँ। अब इसका मतलब क्या माना जाए समझ नहीं आ रहा है इसका क्या मतलब माना तुम जाये? क्यों बार बार एक चीज बताओ देश के प्रधानमंत्री का ये काम है क्या देश का प्रधानमंत्री दस साल रह लिया वो अपना काम क्यों नहीं बताता जनता को दस साल में फेल हुआ प्रधानमंत्री और एक फोर्स पत्रिका है उसने बता दिया है कि हिंदुस्तान सबसे गरीबी की रेखा के पास जा रहा है फोर्स में छपा है उसे नहीं बताएंगे देश कर्जे में डूबता जा रहा है उसे नहीं बताएगा युवा दर दर भटक रहा है उसे नहीं बताएगा किसान एमएसपी के लिए लड़ रहा है कर्जे में आत्महत्या कर रहा है लाखों किसान हर साल आत्महत्या कर रहे हैं बेटियों का अपमान हो रहा है बेटियों की इज्जत लूट रही है छोटा कर्मचारी पेंशन के लिए लड़ रहा है छोटा व्यापारी उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं देश से रोजगार खत्म हो चुका है और सबसे बड़ा बात अडानी का अम्बानी का रामदेव का किसी का नाम नहीं है क्या इन्होंने इन्हें चंदा नहीं दिया इनका नाम क्यों नहीं आता बस लड़ा दो धर्म पे लड़ा दो धर्म पे लड़ा दो लेकिन हरेंद्रदाव जी सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ये कह रहे हैं कि भले ही आप जो है शक्ति का विनाश का ऐलान कर दिए हो लेकिन जो शक्ति का उपासना है वो भी मेरा ऐलान है हम उपासना नहीं जानते हम कुछ नहीं जानते देश के प्रधानमंत्री उपासना के लिए नहीं बना ना हम इसकी पिच पे खेलने के, हम इसे वहां घेर के लाएंगे दस साल में तूने क्या किया किन किन कंपनियों से चंदा लिया एस को किसने रोक रखा है ये उद्योगपति सुप्रीम कोर्ट कैसे गए के नाम उजागर ना करें किसने भेजे किसने भेजे नरेंद्र मोदी ने भेजे लेकिन सवाल ये है हरिंदर ताऊ जी कि जो है क्या आप आपको भी यही लगता है कि जो है चुनाव से पहले जो राहुल गांधी जो है जो बयान दे रहे हैं क्या उसका वही मतलब था जो वो कहना चाह रहे थे या फिर जो है बातों को गोलमोल करके घुमा दिया देखिए राजनीतिक लोग होते हैं जी तुम कहोगे गाय दूसरा बता देगा नहीं ये तो भैंस कह रहा था तुम्हें लड़ा दिया गाय और भैंस पर लड़ा दिया उस मुद्दे से ध्यान भटका दिया तुम्हारा जिस मुद्दे को तुम लड़ रहे हो उस मुद्दे पर आओ जनता अपने ध्यान से ना भटके जनता अपने मुद्दों से ना भटके बस जनता को वहां रखो चुनावी बॉन्ड पे बात करो चंदा किस किस से लिया है चंदे पे बात करो चंदा ही धंधा है तुम तो मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा देश बेच दूंगा यह मोदी का नारा है mm. लेकिन नारी शब्द का जो जिक्र कर रही है बीजेपी अपमान करना सही तो नहीं है ना राहुल गांधी किसने कर दिया नारी का अपमान नारी का अपमान कहा हुआ कह रहे ना शक्ति से लड़ना शक्ति तुम तुम शक्ति का कितने अर्थ है सूरज के कितने नाम है तुम किसी से भी निकाल लोगे चंद्रमा के कितने नाम है पृथ्वी हमारी माता है इसके कितने नाम है गाय के कितने नाम है तो तुम कौन से नाम को कहा जोड़ोगे ये इस पे क्यों जा रहे हो उस पे आओ ना जिस काम के लिए जनता ने तुम्हें चुन के भेजा तो मैं इसलिए नहीं भेजा कि पृथ्वी के नाम कितने हैं सूरज के नाम कितने हैं तो मैं इसलिए भेजा है कि जनता को सहूलियत दो देश को आगे बढ़ाओ इसलिए नहीं दिया कि तुम उद्योगपतियों से चंदा लो और उन्हें धंधा दो देश बेच दो है तो यही तो मैं कह रहा हूं अरेंद्र ताऊ जी कि देखिए बोलते हैं लोग कि कमान से निकली तीर और जो मुख से निकली बोली एक बार निकल गई तो निकल गई और एक बार राहुल गांधी ने अपने मुख से निकाल दिया उसको किस एंगल से किस पार्टी ने समझ लिया ये तो अब समझाना नामुमकिन होगा ना भारतीय अच्छा। जनता पार्टी ने उसको बोल दिया कि नारी शक्ति का अपमान कर दिया अब पूरी मीडिया में यही चल रहा है तो अब इसका क्या मतलब निकाला था? उस पूरी मीडिया ने कभी चलाया कि नरेंद्र मोदी ने सभा में कहा था बेटी ये शब्द चलाया मीडिया ने क्यों नहीं चलाते नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी क्या वही नारी शक्ति है ना बेटी माफी मांगी क्या आज तक आज तक नहीं मांगी माफी क्यों नहीं मांग रहे इनके सांसद दुराचार कर रहे हैं और वो दुराचारी इसके बराबर में बैठे हैं। क्या कह रहा कहा कुछ जिस विनेश फोगाट को इसने अपनी बेटी कहा वो बेटी इसके घर के बाहर बैठी रही उसको घसीटवाया उसके चेहरों पर जूते रखवाए और उनका अपराधी बराबर में बैठा क्या कहोगे तो कौन है यह नारी शक्ति का अपमान है या सम्मान है बता दो आप मुझे अंकिता भंडारी वो नारी थी बेटी थी देवी थी उस पर क्या बोला देश का प्रधानमंत्री बोला मणिपुर की बेटियां वे बेटी नहीं है वो नारी नहीं है वो शक्ति नहीं है क्या बोला आज तक बोला जहां फंसता है वहां चुप रहता है और जहां इसे अच्छा लगता है वहां बोलता है और एक दिन मैंने देखा रैली में कह रहा था मैंने आज तक छुट्टी नहीं ली मैं देश के लिए काम करता हूं उत्तराखंड की गुफा में 24 घंटे बैठा था वो कौन से देश के संविधान का काम हो रहा था भाई अभी मंदिर मंदिर घूम रहा था ये कौन सा देश का काम हो रहा था अभी समुद्र में कूद रहा था वहां कौन सा देश का काम हो रहा था है? क्या मान लिया जाए कि फिर से इस बयान से जो है कुछ नहीं होना कुछ नहीं होना अब जनता भ्रमित नहीं होगी जनता मान चुकी है कि नरेंद्र मोदी की विदाई पक्की है वो कर चुकी है जनता फैसला और ये हड़बड़ाहट है ये बौखलाहट है मोदी की डेढ़ सौ पार नहीं कर पा रहे हैं नहीं उनके पास तो डेढ़ सौ पार क्या चार सौ पार का भी मतलब वो टारगेट लेकर चल रहे हैं और इस जनता ही, ही, ही उसे सुपरहिट कराती है ये भी ध्यान कर लेना स्क्रिप्ट लिखने वाले से पिक्चर फ्लॉप नहीं होती स्क्रिप्ट लिखने वाले से पिक्चर सुपरहिट नहीं होती सुपरहिट कराती है जनता और जनता आपके इसे विदाई कर देगी ये घबराहट का शेड्यूल है ये वही सख्ती जो इसके हाथ में है उसी का परिणाम है कि दो दो ढाई ढाई महीने में जाकर देश के चुनाव हो रहे और पूछ के देखो जो, जो चुनाव आयोग कहता है पूरे देश के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हम एक साथ करा देंगे एक साथ बताओ जम्मू कश्मीर का चुनाव इतने दिन से क्यों नहीं हो पा रहा और क्यों अब उसने उसकी घोषणा नहीं की क्यों नहीं की बताओ क्यों नहीं की जवाब देता चुनाव आयोग तो, तो मोदी ने मना कर दिया वहां चुनाव नहीं होने अभी तो रोक दिए तो इस शक्ति जो ये शक्ति है इस शक्ति को तोड़ना है क्योंकि जो हमारी इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं उनको जो अधिकार है वो अधिकार देने हैं वो शक्ति उनके हाथ में देनी है ये वो शक्ति की बात है लेकिन ताओ जी अगर राहुल गांधी ने गलत कुछ नहीं कहा तो फिर कांग्रेस पार्टी सफाई क्यों दे रही है राहुल गांधी जी सफाई क्यों दे रही की मेरी बातों को जो है तोड़ तोड़मोड़ करके अरे यार जब तू चोर चोर मुझे कहता रहेगा तो मुझे बताना तो पड़ेगा कि मैं चोर नहीं हूं नहीं तो जनता मान लेगी कि मैं भी चोर हूं बताना तो पड़ेगा अगर मुझे पुलिस पकड़ के ले गई कि ये चोर है, तो क्या जज के सामने मुझे कहना नहीं पड़ेगा कि मैं चोर नहीं हूं तो जज कौन है जज देश की जनता। तो जनता को बताओगे नहीं बताओगे कि ये तो झूठा था ही तान का बादशाह है और जब झूठी तान का बादशाह झूठ बोलेगा तो उसके गुलाम क्या बोलेंगे झूठी तो बोलेंगे तो वे गुलाम है लगे हुए हैं बोलने पर

किसानों की एमएसपी से लेना बच्चों की अग्निवीर से लेना छोटे कर्मचारियों की पेंशन मुद्दा है ये, सारे मुद्दे ये नहीं दबेंगे तुम दबा लो अब तो जन जन की आवाज है महंगाई डायन खाए जाते हैं किसान बैठा है साठा लेके तैयार एमएसपी के लिए युवा बैठा है तैयार रोजगार और अग्निवीर खत्म कराने के लिए रोजगार लेने के लिए और अग्निवीर खत्म कराने के लिए कर्मचारी बैठा है पुरानी पेंशन लेने के लिए तैयार बैठा है और अभी तो आपने देखा उन कन्नौज के सांसद ने कहा कि मैंने लोधो की वोट खरीदी है मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है तो ये खरीदते हैं वोट बता दिया सांसद ने खुद कि मैं वोट खरीदता हूं तो बताओ भ्रष्टाचारी कौन है जो लोकतंत्र के पर्व में भी वोट खरीद लेता है जवाब देगा मोदी या जवाब देगा चुनाव आयोग मसले मारता है मसले अरे तुम तारीख घोषणा करने आए बताइए उत्तर प्रदेश में अस्सी सीट है बिहार में चालीस सीट है हुँ. तो बिहार में पांच चरण में क्यों कराया गया सात में बंगाल में बयालीस सीट है वहां सात चरण में क्यों कराया गया महाराष्ट्र में अड़तालीस सीट है वहां पांच चरण में क्यों क्योंकि मोदी ने बना के दिया है कि यहां इतने चरण में कराओ मेरी नैया डूब रही है यहां इतने चरण में कराओ ताकि मैं रैलियां ज्यादा कर सकूं जनता के सामने जुमले ज्यादा पेश कर सकूं ये जुमलेबाज है और जनता अब जुमलों में नहीं दस साल बहुत जुमले झेल लिए अब तो काम की बात होगी चलिए एक आखिरी सवाल है जी। जो ये पूरा माहौल क्रिएट किया गया है शक्ति को लेकर के क्या लगता है कि चुनाव में फिर से जो है अपने पैरों में जो है कांग्रेस पार्टी ने कुल्हाड़ी मार कोई कुल्हाड़ी नहीं है कोई कुल्हाड़ी नहीं है ये मोदी की बौखलाहट है ये घबराहट है ये देख लेना बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र ताऊ जी से हम लोग खासा बातचीत कर रहे थे शक्ति को लेकर के जिस तरीके से विपक्षी पार्टी और जो है इंडिया एनडीए जो है एक आमने सामने होता हुआ नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी ने जो है इस पूरे मुद्दे को जो है ज़मीनी से लेकर के आसमान तक पहुंचा दिया है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो है कोई मौका नहीं छोड़ा है विपक्षी पार्टियों को इस शब्द से घेरने के लिए हालांकि देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या चुनाव में इसका कोई बड़ा फर्क देखने को मिलेगा फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त देखते न्यूज़ धन्यवाद